अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है 14th of May, जो कि मैंने पहले बताया था कि हमारा वाइवा होगा। सुबह सुबह हम आए हुए हैं कॉलेज, 8 बजे हमें बुलाया गया था और अब टाइम हो रहा है 9 बज के ही होगी, आई थिंक, एक मिनट में देख बताती हूँ। हाँ, 9:20 हो चुके हैं और अभी तक हमारा वाइवा नहीं हुआ। दिल की धड़कने तेज है, शुक्र है आज पानी भी ठंडा है वैसे, और पता नहीं कैसा होगा, पी लो। लेट्स सी आज हमारा वाइवा कैसा होता है। साथ साथ हम लोगों ने ठंडा पानी भी रख लिया ताकि मुश्किल वक्त में पानी पी सकें, और तैयारी साथ साथ जारी है, सब तैयारी करने में मसरूफ हैं। बाकी देखते हैं क्या होता है। सो मिलती हूँ मैं थोड़ी देर के बाद। अभी मैं चलकर आप लोगों को अपनी क्लास के हालात दिखाती हूँ कि कितनी गहमा गहमी है और सब बस पढ़ने में लगे हुए हैं, और आज का दिन जो है ना पता नहीं कैसा गुजरेगा हमारा। ये जा रहे हैं हम क्लास में। सर वो रहा सबसे पहले आपको डॉक्टर साहब की देने सर, ये रे, ये रे। और अब कुछ जरा मुझे वो बता दो क्या पूछेंगे, डेटाबेस के बारे में पूछेंगे। मैं खुद अभी कुछ भी नहीं पढ़ा, और देखते हैं कि आज हम क्या पढ़ते हैं और क्या नहीं। सब कुछ ना कुछ पढ़ने में बिजी हैं क्योंकि आज हमारा वाइवा है। कुछ लोग वाइवा अपना तैयार कर रहे हैं, जिनको शक हो रहा है कि मैं उनकी वीडियो बना रही हूँ, हालांकि ऐसी शक्लें हैं नहीं। समझ नहीं आ रहा कि हमारा आज का वाइवा कैसे होगा। बस जो दिल की धड़कन है वो तेज़ होती जा रही है, और दिमाग जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल, समझ ही नहीं आ रही कि पता नहीं हम बताएंगे क्या। कोई भी दरवाज़ा खोलते हैं हमें ऐसा लगता है हमारे सुपरवाइज़र आ गए हैं, और समझ से बाहर है हालात फ़िलहाल, बता ही नहीं सकते और कुछ भी, बस बंदा बोल ही नहीं सकता। जितना मर्ज़ी एंड टाइम पे पढ़ लो कुछ भी समझ नहीं आ रही, कुछ भी नहीं याद हो रहा, और ना समझ आ रही है कि हम प्रेजेंट कैसे करेंगे। बस दुआ ही कर सकते हैं कि हमारा जो भी है आज का वो अच्छा ही हो जाए। सब लगे हुए हैं सब, और हम लोग इस टाइम जो है वो थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं ताकि एंड टाइम पे दिमाग में जो चीज़ें हैं ना वो रीस्टोर कर सकें। जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है बच्चे ज़्यादा होते जा रहे हैं, क्लास यानी कि पूरी आती जा रही है, तो वैसे वैसे ही डर भी साथ साथ ज़्यादा लगता जा रहा है। और अल्लाह खैर करे कि क्या होगा वो हम थोड़ी देर के बाद मैं बताऊंगी कि क्या हुआ था वाइवे के बाद। तो मिलती हूँ मैं अपने वाइवे के बाद, और थोड़ा सा पढ़ लेते हैं अब, टाइम ज़ाया नहीं करते। आप लोगों को अपना प्रोजेक्ट जो है ना स्क्रीनशॉट की फॉर्म में दिखा देती हूँ कि मैंने क्या बनाया था। हाँ, ये मेरा है डैशबोर्ड का, ये फर्स्ट वाला, और ये सेकंड है एड बुक, क्योंकि मैंने जैसे कि अपने पिछले सेकंड आई थिंक या थर्ड ब्लॉग में बताया था कि मैंने लाइब्रेरी का बनाया है। ये जो हम रिकॉर्ड ऐड करते हैं ये हम उसको देख भी सकते हैं, उसमें चेंजेस भी कर सकते हैं, इसी के ही नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं ये, क्योंकि बस मैंने स्क्रीनशॉट ऐड करना था तो इसी वजह से। और ये रहा मेरा, इसी तरह स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन भी हम स्टोर करेंगे ताकि अगर कोई हमसे बुक इशू करवाएगा तो उसकी इंफॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए, उसी तरह हम स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन देख भी सकते हैं। और ये रहा, इशू बुक करवा सकते हैं स्टूडेंट की डिटेल को एंटर करते हुए। ये जो बुक हम लोग इशू करवाएंगे ये हम रिटर्न भी करेंगे ज़रूर, क्योंकि उधार बंद होता है। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज। और ये रिटर्न बुक करने के नीचे, अच्छा ये जो है ना ये मैंने इसमें एडिटिंग की है, मतलब कि चेंजेस किए हैं, इसको अपडेट किया था, इसमें चीज़ें ऐड हुई हैं, तो ये मैंने पहले प्रिंट करवाया था
सॉफ्ट में तो अब मैंने नया ऐड किया है उसका, ये कंप्लीट उसकी डिटेल है कि किस किस ने हमारे से बुक इशू करवाई है, किसने रिटर्न किया है, ये जो भी इंफॉर्मेशन है ये सब एक डमी डाटा है। और इसी तरह हम सर्च कर सकते हैं स्टूडेंट को डिपार्टमेंट से, रोल नंबर से, क्लास से और रिपोर्ट, ये स्टूडेंट की हम रिपोर्ट जैसे भी बनाना चाहें स्टूडेंट को सर्च कर सकते हैं। इसी तरह ये हमने रिसिप्ट, ये पहले मेरी रिसिप्ट कुछ इस तरह से नज़र आती थी लेकिन अब इस तरह नहीं नज़र आती क्योंकि मैंने पहले बताया ये मैंने अब चेंजेस किए हैं इसमें। लास्ट टाइम जब मैं कॉलेज आई थी तब मैंने आप लोगों से शेयर भी किया था कि सर ने हमें टास्क दिया है, कुछ वो चेंजेस थी कुछ ये थी, तो मैंने अब चेंजेस किए हैं। और अब दुआ करती हूँ कि सबका वाइवा अच्छा हो जाए और सब क्लियर हो जाए। टाइम हो रहा है 10:04 और हम सुबह 8 के आए हुए हैं, 8 से पहले हमें बुलाया था और फाइनली अब हमारे एक्सटर्नल एग्जामिनर आ गए हैं, सो देखते हैं क्या होता है, अल्लाह माफ़ करे। हाँ मैं अपना ब्लॉग बना रही हूँ, आप आना चाहेंगी? नहीं, विदाउट परमिशन मैं किसी को नहीं लेती। आपका बैग आया था सिर्फ? ना ना, सबकी दिल की धड़कनें जो हैं वो तेज़ हो गई हैं और होप फॉर द बेस्ट, बस दुआ ही कर रहे हैं कि जो वो पूछे हमें वो आ जाए। अल्लाह माफ़ करे। आगे ये सर मारूफ है, ये सर मारूफ है। आ गए हैं हमारे एक्सटर्नल। ये कौन सा सर है? भाई बहुत हमारा शुरू होने वाला है, उम्मीद करते हैं कि अच्छा ही हो जाए, जो भी हो जाए। मिलते हैं वाइवा के बाद। देखने में जो हमारे एक्सटर्नल सुपरवाइज़र आए हैं, एक्सटर्नल आए हैं ना, वो देखने में खुश अखलाक लग रहे हैं लेकिन फ़िलहाल जो दिल की धड़कन है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है और नाकाबिले बयान है। 5, इसीलिए उन्होंने कहा 5। हाँ, और हमें कहा है कि 5 रोल नंबर इधर बैठे हैं। 5। अच्छा, उन्होंने कहा है कि 5 रोल नंबर यहीं पे बैठे हैं और बाकी चले जाएं, और मेरा 5th है। अब दुआ करें कि क्या होगा, पता नहीं। पहले ही हम सूली पे चढ़े हुए। तो जी फाइनली मैं घर पहुंच चुकी थी और क्या कहते हैं, वाइवा जो था हमारा वो हो चुका था, हो गया था उसी टाइम। जैसे कि मैंने बताया था कि हमें कहा गया था कि 5 जो रोल नंबर हैं वो वहीं लैब में बैठे रहे, वो हमारी लैब थी, और बाकी के जो हैं वो दूसरे रूम में शिफ्ट हो जाएं। हम लोग फिर लैब में बैठे थे और पहले बकरा ज़िबा होने की बारी हमारी थी, यानी कि जिसमें मेरा नाम भी शामिल था। अब सिलसिला कुछ यूँ हुआ है कि जो हमारा प्रोजेक्ट था वो हमने चेक तो करवा दिया, अब उसमें उन्होंने कुछ चेंजेस करने का कहा है जो कि हमें विद इन डिफरेंट स्टूडेंट्स को डिफरेंट टाइम दिया गया। मुझे जो गए सर ने टाइम दिया ना चेंजेस चेंज करने के बाद सही करने का, वो मुझे सिर्फ मिले हैं 2, ठीक है। वो मैंने खुद ही कहा है कि सर मैं 2 में कर लूँगी, सो अब उम्मीद करती हूँ कि मेरा वो 2 में टास्क भी कंप्लीट हो जाएगा। और बाकी रही बात कि वाइवा ओवरऑल ठीक रहा, सर बहुत पोलाइट थे अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे जैसे हम एक कुछ ना कहते हुए भी बस एक सिचुएशन होती है, बस वो हम सब पे तारी होती है कि पता नहीं कैसा होगा क्या नहीं होगा, क्या हम वो जो क्वेश्चन करेंगे हम उसका आंसर कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। बहरहाल वो टाइम क्रूशल टाइम होता है और वो नाकाबिले बयान होता है। फ़िलहाल ठंडा पानी पी के मेरा गला भी थोड़ा सा ख़राब हो रहा है, और अब दुआ करते हैं कि वो जो हमें चेंजेस करने का कहा गया है वो हम करके टाइम पर सबमिट करा दें। टाइम पर सबमिट कराएंगे तो टाइम पर हमें डिग्री मिलने का चांस है,
डिग्री वैसे तो हमें लेट ही हो गई है, कुछ सितंबर या नवंबर में एंड होनी थी डिग्री, कुछ कोरोना की वजह से हम लेट हो गए और कुछ बस कोरोना की वजह से हम लोग लेट हो गए। लेट हुए तो हुए, प्रोजेक्ट ने तो जो किया सो किया, अब इनकी बारी है, ये कुछ करने का सोच रहे हैं। ईद के बाद मुझे सलामी देने आए हैं, सो इनकी सलामी भी साथ साथ कबूल करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सबको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा यहीं से, हाँ शायद इसी साइड से ही है। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।